क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बस आप लोग का फिर से स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग को ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े इवेंट्स ना आप लोग को अपडेट्स देने वाला हूँ, जो कि आप सभी को अपने गरीना फ्री फायर के आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। एंड मेरे भाई, अगर आप लोग आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले तो आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओ भाई ये क्या है? हाँ मेरे भाई, आप लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बाय द वे, हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को अपने सर में अपना डायनो इनक्यूबेटर कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही है अपने डायनो इनक्यूबेटर को लेके। एंड आप लोग अपने इंडियन सर में जल्दी अपना डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न बैक देखने को मिलने वाला है। तो कब रिटर्न आएगा, कौन से मंथ में रिटर्न आएगा, सभी का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जैसा कि मैं आप सभी को कल वाली वीडियो में ये वाला डायनो दिखाया था, जो कि एक 2D डायनो है। एंड ये 2D डायनो आप लोग को अपने इंडियन सर में कब देखने को मिलेगा, कल वाली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ। एंड इस वाले डायनो पे बेस्ड ही आप लोग को एक न्यू टॉपअप इवेंट जल्दी अपने इंडियन सर में देखने को मिलने वाला है। कौन सा टॉपअप इवेंट आने वाला है, उसमें कौन से रिवॉर्ड आने वाले हैं, कितने डायमंड टॉपअप करने पर आप लोग को कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी आप लोग को आज की इस वीडियो में पता लगने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों में से काफी सारे बंदों को ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि अपना नेक्स्ट डायमंड रोल ये वाला होने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि ये मेल का बंडल आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रोल में देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, इस वाले बंडल के बाद आप लोगों को कौन सा डायमंड रोल देखने को मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट डायमंड रोल का भी नेक्स्ट डायमंड रोल कौन सा होने वाला है, वो मुझे यहाँ पे पता चल चुका है। तो आप लोग को नेक्स्ट डायमंड रोल का भी नेक्स्ट डायमंड रोल आज की इस वीडियो में पता लगने वाली है। साथ ही साथ आप लोग में से काफी सारे बंदियां बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपने M1014 के शॉटगन वाले इनक्यूबेटर का। हाँ मेरे भाई, आप लोग में से काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो M1014 इनक्यूबेटर के लवर है एंड चाहते हैं कि अपने M1014 इनक्यूबेटर रिटर्न आए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को अपना M1014 का इनक्यूबेटर कौन से मंथ में रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डेट वगैरह तो कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन कौन से मंथ में रिटर्न देखने को मिल सकता है वो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बता दूंगा। साथ ही साथ मैं बात कर लें टू नाइट विल अपडेट को लेकर, आज तक 12 बजे के बाद आप लोग अपने फ्री फायर में कौन सा न्यू इवेंट या फिर कौन सा न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज की पूरी पूरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस काफी ज्यादा अपडेट होने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को फटक से एक लाइक कर दो, साथ ही चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे बात करना चाहेंगे अपने डायनो थीम पर बेस्ड टॉपर इवेंट को लेकर। हाँ मेरे भाई, आप लोग को अपने गरीना फ्री फायर के आने वाले दिनों में एक डायनो का इवेंट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे इस वाले डायनो पर बेस्ड होने वाला है। एंड इसी वाले डायनो पर बेस्ड आप लोग को एक न्यू टॉप इवेंट भी देखने को मिलेगा अपने आने वाले दिनों में, जो कि यहाँ पे अपने डायनो टॉप इवेंट होने वाला है, जिसमें आप सभी को 100 डायमंड टॉपअप करने पे लूट बॉक्स स्किन देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप लोग यहाँ पे 200 या 300 डायमंड टॉपअप करने पे आप लोग को ग्रेनेड की स्किन भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये टॉप इवेंट अपने इंडस्ट्री में आने में भी काफी टाइम है, मतलब जब अपना डायनो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उसी बीच आप लोग को ये वाला टॉप इवेंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये जानना है कि अपना ये वाला डायनो कब आएगा अपने इंडस्ट्री में एंड अपना डायनो इवेंट कब स्टार्ट होगा, तो बस आप लोगों ने क्या करना है, मेरी कल वाली वीडियो में जरूर से देख लेने। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपना ये वाला डायनो अपने इंडस्ट्री में कब आएगा। तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही आई बटन में भी आ गई, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। बाकी आप सभी को अपने गरीना फ्री फायर के आने वाले दिनों में अपना डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिल सकता है। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही है कि आप लोग अपना डायनो इनक्यूबेटर, जो कि ये वाला इनक्यूबेटर जिसमें जितने भी डायनो के बंडल्स है, सॉरी बंडल्स नहीं, यहाँ पे इसको आउटफिट्स बोलेंगे, यहाँ पे जितने भी डायनो के आउटफिट्स दिए आप लोग को रिटर्न बैक देखने को मिलेंगे अपने इंडस्ट्री में। एंड यहाँ पे काफी सारे बाहर के सर्वर, यहाँ पे ऑलरेडी अपने थाईलैंड सर्वर और बाकी के ब्राजील सर्वर, जितने भी बाहर के सर्वर है ना, काफी सारे सर्वर में ऑलरेडी अपना डायनो का इनक्यूबेटर रिटर्न आके चला भी जा चुका है। बट गाइस, अपने इंडस्ट्री में अभी तक तो नहीं है एंड ये आप लोग को जल्द ही रिटर्न बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे लीक्स निकल के आ चुके हैं, आप लोगों को जरूर से रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं देखने को मिलेगा, काफी टाइम है इसको रिटर्न आने में। पहले आप सभी को अपना जो M1014 का इनक्यूबेटर है एंड साथ ही साथ अपना जो काफी सारे इनक्यूबेटर और भी रिटर्न आने बाकी है अभी, तो बस पहले वो इनक्यूबेटर रिटर्न आएंगे, उसके बाद आप लोग को अपना डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइस, ऐसा हो सकता है कि आप लोग को इस साल के लास्ट तक देखने को मिल जाए, मतलब कि नवंबर या दिसंबर मंथ में आप लोग को अपना डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। मैं आप लोग को कन्फर्म अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भैया अभी अपना काफी सारे इनक्यूबेटर्स ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े हुए, रिटर्न आने बाकी है अभी, जिससे कि अपना बनी इनक्यूबेटर हो गया, अपना M10 का इनक्यूबेटर हो गया, अपना रेबल एकेडमी इनक्यूबेटर हो गया, साथ ही अपना टाइटन स्कार का इनक्यूबेटर हो गया, अपना एक्समेंट का इनक्यूबेटर हो गया, काफी सारे इनक्यूबेटर सभी रिटर्न आने ऑलरेडी पेंडिंग है। तो हो सकता है कि आप लोग को नवंबर या दिसंबर मंथ में अपना डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिले। बाकी इसको आने में अभी आप लोग ऐसा समझ लो कि एक साल के बाद ही आप लोग को डायनो इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे यहाँ पे लीक्स एंड अपडेट्स निकल के आया, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दिया, आगे देखते अगर गरीना कुछ भी अपडेट करता है अपने डायनो इनक्यूबेटर या फिर कोई और इनक्यूबेटर को लेके, तो गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले जरूर से बता दूंगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करके रखना। आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि अपना नेक्स्ट डायमंडल में आप सभी को यही वाला बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे मेल का बंडल होने वाला है। लेकिन गाइज, मेल के बंडल के बाद आप लोग को कौन सा डायमंडल देखने को मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट डायमंडल का भी नेक्स्ट डायमंडल कौन सा होने वाला है, ये तो आप लोग में से काफी सारे बंदों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। यहाँ पे फिलहाल अपने गेम में ये वाला फीमेल का बंडल का डायमंडल चल रहा है, इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट डायमंडल मेल का बंडल देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला बंडल है। एंड इस मेल के बंडल के बाद जो नेक्स्ट डायमंडल होगा वो भी यहाँ पे फीमेल का बंडल होने वाला है। एंड वो फीमेल के बंडल में जो डायमंडल आप लोग को देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ये वाला डायमंडल होने वाला है। हाँ मेरे भाई, यही यहाँ पे लिक्स निकल के आ रही है कि आप लोग को नेक्स्ट डायमंडल के भी नेक्स्ट डायमंडल में ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बैनर ही निकल गया है, तो आप लोग यहाँ पे अभी सिर्फ बैनर में ही काम चला लो। लेकिन अगर इसको लेके कोई भी वीडियो क्लिप एंड अगर और भी कोई भी अपडेट पता चलती है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो बता दूंगा। बाकी आप सभी को अपने नेक्स्ट डायमंडल का भी नेक्स्ट डायमंडल कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी गाइस, आप लोग में से काफी सारे बंदे यहाँ पे बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपने M14 इनक्यूबेटर के रिटर्न का। हाँ मेरे भाई, आप लोग में से काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो M14 इनक्यूबेटर के लवर हैं एंड चाहते हैं कि अपना M14 का इनक्यूबेटर रिटर्न आ जाए, क्योंकि भाई M14 इनक्यूबेटर के जितने भी यहाँ पे सॉल्डन के स्किन्स है ना, सभी के एबिलिटीज में काफी ज्यादा पावर है, मतलब सभी के एबिलिटीज काफी ज्यादा ओपी है, खासकर इस वाले गन स्किन का, जिसमें आप लोग को डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज एंड माइनस रिलोड स्पीड साइज से आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ऐसा ही कुछ एट्रीब्यूट्स है, मुझे यहाँ पे कंफर्म मेरे को नहीं पता है। आप लोग में से काफी सारे बंदों के मैंने बस एक ही क्वेश्चन है कि भाई अपना M1040 का इनक्यूबेटर कब रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको रिटर्न को लेकर लीक्स तो बहुत पहले से निकल के आ रही है, करीब यहाँ पे फरवरी या जनवरी मंथ से करीब लीक्स निकल के आ रही है कि आप लोग को रिटर्न बैग देखने को मिलने वाला है, रिटर्न आने वाला है, रिटर्न आने वाला है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है इसको लेकर मुझे भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी खास पता नहीं है इसका एक्चुअल रीजन। लेकिन यहाँ पे कब रिटर्न आएगा वो मैं थोड़ा आप लोग को अपडेट दे देता हूँ। तो बस अगर इसको रिटर्न आना होगा तो बस अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, मतलब कि अप्रैल के लास्ट तक आप लोग को देखने को मिल सकता है रिटर्न बैक, मतलब इसी महीने के लास्ट तक आप लोग को देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग को जून या जुलाई मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जून या जुलाई मंथ में सबसे ज्यादा चांसेस निकल के आ रही है, क्योंकि जून या जुलाई मंथ में अपना रैम्पेज इवेंट आएगा, मतलब रैम्पेज हर बार हर साल यहाँ पे आता है अपना रैम्पेज इवेंट, क्योंकि जून या जुलाई मंथ में अपना रैम्पेज इवेंट आएगा। ये जो इनक्यूबेटर है ना, ये भी यहाँ पे रैम्पेज थीम पर ही बेस्ड है, जैसा कि आप सभी को पता होगा जब अपना रैम्पेज इवेंट आया था बहुत टाइम पहले 2020 में या 2021 में अपना रैम्पेज इवेंट आया था, उसी टाइम पे अपना ये वाला इनक्यूबेटर निकल के आया था सबसे पहले। तो हो सकता है जून या जुलाई मंथ में आप लोग को देखने को मिल जाए, मतलब मैं आप लोग को इतना तो 100% अभी से कह के रख रहा हूँ कि आप लोग को अगस्त महीने तक रिटर्न देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि जून या जुलाई मंथ में तो आएगा ही आएगा, अगस्त महीने तक आप लोग को लास्ट वेट कर लेना, ठीक है ना। कि आके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अगर इसको लेके कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। बाकी आप लोग इतने साल से वेट कर रहे हो, मतलब इतने टाइम से वेट कर रहे हो, तो बस और वेट कर लो आप लोग थोड़ा सा, सह लेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों अब बारी आ गई यहाँ पे टू नाइट व्हील अपडेट देने की, आज 10:12 बजे के बाद आप लोग को अपने फ्री फायर में कौन सा न्यू इवेंट या फिर कौन सा न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। कल वाली वीडियो में आप लोग को जो टू नाइट अपडेट दिया था कि 12:00 बजे बाद आप लोग को न्यू टॉप एंड देखने को मिलने वाला है, वो यहाँ पे 100% आ चुका है, इसके लिए वीडियो को लाइक कर ही देना। बाकी आप सभी को आज 12:00 बजे के बाद आप लोग को न्यू फेटिविल देखने को मिलने वाला है अपने फ्री फायर में, जो कि यहाँ पे अपने BTS का फेटिविल होने वाला है, जिसमें आप सभी को BTS इवेंट का एक क्रिस्टल टोकन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हो 100% कंफर्म हो चुका है यही वाला फेटिविल आप लोग अपने इंडस में 12:00 बजे के बाद देखने को मिलने वाला है। आज 12:00 बजे के बाद आप लोग अपने BTS इवेंट का यही वाला फेटिविल देखने को मिलने वाला है। इतना ही टू नाइट अपडेट है आज के लिए, एंड और भी अगर कोई भी अपडेट पता चलता है रात तक तो मैं कॉमेंट्री पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी को आज की अपडेट बड़ी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करो, आप लोग कमेंट करके आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रख लो, एंड मैं मिलता हूँ किसी और नए अपडेट भरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।